यहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और उसके लिए ये ट्रिमिक्स वाली सड़क है जिस पे हम स्पीड ब्रेकर को इंस्टॉल करने वाले हैं। इस ट्रिमिक्स वाली सड़क पे या आरसीसी सड़क पे जब हम काम करते तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है? अगर वो सावधानी न रखी जाए तो ये ट्रिमिक्स बाद में क्रैक हो सकता है, इसमें दरारें आ सकती हैं, तो वो सावधानी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ये देखें, ये पहले होल किए जाते हैं इस तरह से। इस बोल्ट का साइज़ अगर 8 mm है तो 10 mm की विड्थ से होल्ड होगा, यानी 2 mm ज़्यादा हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो ट्रिमिक्स है, इस ट्रिमिक्स में अगर ये 4 inch का बोल्ट डालना है तो कम से कम हम 4.25 से 4.5 inch का इसमें ड्रिल बनाएंगे, होल करेंगे, तो वहाँ पर भी एयर बनने की जगह हो जाएगी और लॉन्ग रन में ये ट्रिमिक्स क्रैक होगा। क्योंकि जब भी आप इस तरह से बोल्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रिमिक्स को या आरसीसी को पंचर कर रहे होते हैं, और अगर उस पंचर को अच्छे से फिल नहीं किया गया तो ये ट्रिमिक्स फटेगा। दूसरी चीज़, इस तरह के जो स्पीड ब्रेकर होते हैं जिसका साइज़ 250, 350 और 50 mm का होता है, वो 1 meter में 4 पीस लगते हैं, और 4 पीस को फिक्स करने के लिए इस तरह से 16 होल करने पड़ते हैं। यानी 1 meter में आप 16 होल कर रहे हैं। अगर 6 meter की आपकी सड़क है या 5 meter की सड़क है तो सिर्फ इस 5 meter की सड़क पर, इस 5 meter की सड़क पर 80 होल होंगे। 80 होल में अगर आपने अच्छे से उसकी फिलिंग नहीं की, उसमें अपॉक्सी बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगाया और इन होल्स को अगर अच्छे से अपॉक्सी से फिल नहीं किया तो आपका ट्रिमिक्स पंचर हो जाएगा, उसमें एयर चली जाएगी। अगर अपॉक्सी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, 1.5 साल में वो अपनी पकड़ छोड़ देगा, इसमें पानी रिस के अंदर चला जाएगा और आपका ये ट्रिमिक्स या ये आरसीसी की सड़क क्रैक हो जाएगी। अक्सर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब क्लाइंट को स्पीड ब्रेकर फिक्स कराना होता है तो वो स्पीड ब्रेकर फिक्सिंग चार्ज कम देना चाहते हैं कि 200 ले लो, 150 ले लो। लेकिन अगर 200 और 150 में अगर आपको कोई स्पीड ब्रेकर फिक्स करके दे रहा है, इसका मतलब वो एपॉक्सी सस्ता लगा रहा है, उस एपॉक्सी की पकड़ उतनी नहीं होगी। और 1-2 साल होते होते, 2 साल तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, साल भर होते होते आपकी स्पीड ब्रेकर उखड़ने शुरू हो जाएंगे और आपका ट्रिमिक्स पंचर होगा और उसमें क्रैक आ जाएगा। तो जहां आप 700-800 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर के लिए, तो इंस्टॉलेशन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नहीं तो वो आपका स्पीड ब्रेकर भी उखड़ जाएगा और ये जो ट्रिमिक्स है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, सो अलग। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9S Solutions मेरे YouTube चैनल फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं, किसी तरह की बारीकियाँ समझना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा।